पेट्रोल पंप सी लेवल से 12,270 किलोमीटर है और वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। देखो पाइप पूरा जम गया नीचे। हां पाइप भी जम रहा क्या? इस टाइम जैसे टेम्परेचर लगभग -10 से तो ऊपर ही होगा। होटल का स्टाफ तो सारा घर चल गया। होटल का स्टाफ सारा घर चला गया जी। क्या बता रहे हो भैया, क्या है अंदर, क्या फ्लश जम गया है? फ्लश जम गया सारा। तो भाई कोई पॉटी कैसे जाएगा यहां पे? नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अरे यार फाइनली वी आर एट काजा। काजा में है हम लोग और काजा में हम हैं पेट्रोल पंप पे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इस पेट्रोल पंप की कुछ खास बात है। ये पेट्रोल पंप सी लेवल से 12,270 किलोमीटर है और वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पेट्रोल पंप पे हूँ मैं इस वक्त। जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है जो अभी आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे पेट्रोल डीजल भरवा के। यहाँ का डीजल का एक बार रेट देख लूँ मैं, डीजल का रेट क्या है यहाँ पे। हालांकि अभी कोई है नहीं, पता नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे डीजल है 84.07 और जब हम शिमला से निकले थे वहाँ 79 था। और ये सामने बर्फ से भरी हुई पहाड़ी और ये नीचे मैं देख रहा हूँ यहाँ भी पूरा स्नो जमा है। भैया को बुलाने गए हैं। बाकी बहुत भयंकर ठंड है। हम एक बार होटल चले गए थे और मेरे जो फ्रेंड है मेरे साथ में मिस्टर राजकुमार, उनको इतनी ज़्यादा कोल्ड स्ट्रोक उनका हो गया, इतना ज़्यादा उनको ठंड लगा कि वो कमरे के अंदर चले गए। कमरे में अभी जो हमने कमरा बुक किया है वो 2,000 रुपये में है और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, वहाँ पे डिनर का नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें हीटर भी लेना होगा वहाँ पे, अदरवाइज़ बिना हीटर के हो नहीं पाएगा। हीटर का ये बता रहे हैं कि 500 रुपये अलग से चार्ज लगेगा। देखते हैं कितने में क्या बात बनती है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये पूरी आइटनरी जो है वो बनाई गई है TOC टूर्स के द्वारा। आई एम वेरी थैंकफुल टू अंकित जी एंड रेहाना मैडम। मैं उनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और अगर कभी भी आप राजस्थान का या हिमाचल का टूर करें तो आप रेहाना मैडम से और अंकित जी से आप संपर्क कर सकते हैं। TOC टूर से आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे अपनी आइटनरी डिज़ाइन करवा सकते हैं। कर दो भैया फुल कर दो। पाइप पूरा जम गया नीचे। हाँ पाइप भी जम रहा क्या? तो डीजल भी जम जाता है क्या? डीजल भी जमता है? सुबह तक जम जाएगा। अच्छा ठंडी ऐसे। अच्छा मेरी गाड़ी का जो डीजल है वो जम गया तो? नहीं, वो स्टार्ट नहीं होता है सुबह सुबह। मैं तो बहुत परेशान हुआ, पूमा भी परेशान हुआ, उससे सांगला गया वहाँ भी परेशान हुआ। सर जहाँ आप जिस होम स्टे में बैठे ना, हाँ, तो वहाँ जो मालिक उससे थोड़ा ऐसे रात को आपको 1 या 2 बजे स्टार्ट करना ही पड़ेगा गाड़ी। 1 या 2 बजे हाँ, उससे तब आप सही रहेंगे गाड़ी। नहीं हम तो रात में स्टार्ट ही छोड़ेंगे भैया, हम तो रात में स्टार्ट छोड़ेंगे। जो होम स्टे जो मालिक उनको उठाने ये मालिक है हमारे ये भैया। मैं यूट्यूबर हूँ और मेरे को क्या है एक्सट्रीम विंटर में शूट करना था स्पीति। आप कैसे रहते हो, कैसे दिखते हो विंटर में, वो दिखाना था। आप तो यही रहते हो क्या हमेशा? और मतलब ये पेट्रोल पंप हमेशा खुला रहता है? पेट्रोल पंप 12 महीना 12 महीने खुला है, विंटर में 5:30 बजे के बाद बंद होता है। 5:30 बजे बंद होता है। अभी कितने बजे बंद होता है? अभी कितने बजे बंद हो रहा है? तो अच्छा 5:30 बजे बंद कर दोगे अभी विंटर से? तो ओके ओके जब तक जाना है बिल्कुल सही बात है। ठंड तो बिल्कुल यहाँ पे बर्दाश्त से बाहर है। आप कुछ सोच सकते हैं? और हम लोग राजस्थान से गर्म जगह से है ना, जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है वहाँ तो हम बैठ नहीं पाएंगे। कितना हो गया भैया? सो डीजल भरवा लिया। बड़े अच्छे से लोग बात करते हैं पहाड़ों में यार, जैसे जैसे ऊपर चलते जाओ, मैदान से ऊपर निकलते जाओ। इधर जाना है हमारे को सीधा इस तरह? हाँ जी उस तरह उस तरह। जैसे जैसे ऊपर निकलते जाओ, मैदान से ऊपर बढ़ते जाओ, पहाड़ों में जाते जाओ, लोग प्यारे होते जाएंगे। बिल्कुल। गोलू भैया हमारे साथ बैठे हैं, ये हमारे होटल में यही देखेंगे, यही हमारे को अभी इन्हीं के भरोसे हम लोग, कहीं स्नोफॉल हो गया तो इनके भरोसे ही हमें रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है काजा, बहुत ही खूबसूरत। एक तरफ बर्फ, एक तरफ पहाड़ी, मतलब ठंड तो पूछो मत क्या है ठंड। अभी क्या टेम्परेचर होगा अभी इस वक्त?
इस टाइम जैसे टेम्परेचर लगभग माइनस 10 से तो ऊपर ही होगा। माइनस 10 से ऊपर है, तो ही होगा। मैं देख लेता हूँ एक बार, जब डीजल भरवा रहे हैं तो माइनस 13 का थोड़ा सा पहले मैंने एक्सपेक्ट किया था, माइनस 13 है। सही जा रहे हैं हम लोग, देखते रहना रास्ता। सही है सर। चलो ठीक है, अभी काजा में हम अपने होटल जा रहे हैं, कल जहाँ भी जाना होगा, मॉनेस्ट्री या कहीं भी जाना होगा या वापसी जाना होगा, जो भी हमारा रहेगा ये आपको मालूम चल जाएगा। मुझे एक बार एक्सट्रीम स्पीति करना था, स्पीति टूर करना था विंटर्स में। मैंने देखा था कि कोई भी विंटर्स में नहीं आता है, आते तो बहुत कम लोग आते हैं, है ना। होटल्स भी नहीं खुले हैं, होमस्टेज भी नहीं खुले हैं, कुछ नहीं खुला है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। होटल का स्टाफ तो सारा घर चल गया, होटल का स्टाफ सारा घर चला गया, और वो मैंने कर लिया। होगा तो हम मॉन्स्ट्री कल जाएंगे, हम चीचम ब्रिज भी जाएंगे। क्या हो गया, ब्लैक आइस में स्लिप की लिया गाड़ी? नहीं निकल नहीं गाड़ी, मोड़ के रख दी होगी, लोकली गाड़ी टकराई है, ये हमारी गाड़ी निकल जाएगी इसमें? निकलेगी नहीं निकलेगी जब तक ये गई नहीं। मैंने इसलिए वहाँ ब्रेक नहीं लगाया, ब्लैक आइस था ना। बिल्कुल गाड़ी में बंद नहीं कर रहा ठीक है। कोई बात नहीं, वैसे अभी बंद कर दोगे आप, कोई बात नहीं सर, रात में आपको ऑन रखना, रात में तो आपको स्टार्ट ही करनी पड़ेगी। अभी बंद कर दूँ? अभी बंद कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट हो जाएगा फिर, स्टार्ट हो जाएगा फिर बाद में, क्योंकि अभी तो 5 भी नहीं बजा यार। बिल्कुल, रात में कितने बजे स्टार्ट करेगा बताओ? रात में 12:30 के आसपास स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं 12:30 नहीं, तो 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास स्टार्ट कर दूँगा। कोई बात नहीं, स्टार्ट तो हो जाएगी ना उस समय 9-10 बजे? स्टार्ट हो जाएगी, हो जाएगी। वैसे कल परसों भी हमारे वहाँ गेस्ट लगे थे ना, तो उन्होंने भी स्टार्ट करके रख दी थी रात को। यार हम हो गए, पता नहीं उनकी कौन सी गाड़ी थी, हमारी कौन सी गाड़ी थी। वैसा था उनके पास तो क्रेटा थी, क्रेटा थी डीजल या पेट्रोल? मेरे ख्याल तो क्रेटा में तो पेट्रोल ही पलता होगा। हाँ तो फिर दो पेट्रोल गाड़ी अलग, पेट्रोल वाली रिस्क नहीं लेते, गाड़ी स्टार्ट छोड़ दो। हाँ सही बात है, अब आपने यहाँ वहाँ लगानी है, वहाँ भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। कहाँ लगाए बताओ? उधर वहाँ लगा लें जी, वहीं लगा दो, बस मॉस्किटो नहीं करेगी अभी? नहीं नहीं ठीक है, ब्रेक वो देखना, बैक करके लगा दो, बैक करके लगा दो। सो फाइनली वी आर एट होटल, हर तरफ बर्फ है यहाँ पे। मैं यहाँ गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, गाड़ी हमारे को ऑन ही रखना है, क्योंकि सुबह नहीं तो यहाँ स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी, ये कंफर्म है, और फिर हम परेशान नहीं होना चाहते हैं जैसे दो दिन से परेशान हो रहे थे, और यहाँ तो और एक्सट्रीम कंडीशन है, बर्फ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। होटल भी हमारा पूरा बर्फ में ढका हुआ है। सामान कैसे निकालेंगे पीछे से, और निकाल लेंगे ठीक है। ओके, स्लिप तो नहीं करेंगे नीचे? नहीं 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 करेगी वैसे, मतलब वो ब्लैक आइस तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, स्नो है सर, ब्लैक आइस नहीं है, वैसा वैसा स्लिप नहीं होगा। वो बाकी चीजें क्या बता रहे हो, ये क्या है अंदर, क्या फ्लश जम गया? फ्लश जम गया सारा? तो भाई कोई पॉटी कैसे जाएगा यहाँ पे? नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अरे यार इसको बंद करो, लॉक करो, सब खुला खुला छोड़ते हैं ताकि गाड़ी खुली हुई ना, खुला छोड़ते लॉक हो जाएगा। तो मुझे करना था एक्सट्रीम स्पीति, स्पीति इन विंटर्स, और दिसंबर के महीने में मैं स्पीति में हूँ। ये है मेरा पीछे होटल, और यहाँ पूरा बर्फ जमा है, और आज के ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म। देखते हैं कल क्या होता है, आगे शूटिंग होती भी है कि नहीं होती, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है और मुझे अपने सारा कुछ चार्ज करना है। जनरेटर चल रहा है लेकिन कह रहे कि भैया जनरेटर भी बहुत कम देरी चलेगा, तो आगे जैसा रहेगा अगर मैं शूट कर पाया तो आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज़ हमारा गुड बाय यहीं पे हो जाएगा। तो देखते रहिए रोड रनर टाइगर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोस्ट एडवेंचरस टूर पे मैं आपको लेके चलूँगा साथ में, अभी जैसे मोस्ट एडवेंचरस टूर पे मैं हूँ। पीछे मेरे पहाड़ी पे बर्फ़ है, सामने बर्फ़ है, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ नीचे बर्फ़ है, होटल में बर्फ़ है, होटल में बता रहे हैं पानी जम गया है, फ्लश जम गया है, सब कुछ जमा हुआ है, एक्सट्रीम कंडीशन है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए रोड रनर टाइगर, थैंक यू, बाय बाय।